गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ आज करेंगे हम लेआउट मैनेजर। लेआउट मैनेजर क्या होता है कि भाई इसका काम है कि जो कंटेनर है आपका, जिसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स या कंपोनेंट कह लो, वो आपके स्टोर होते हैं। इसका काम है लेआउट मैनेजर का साइज को और पोजीशन को कंट्रोल करना। किसकी? कंपोनेंट्स की साइज एंड पोजीशन, इसको कंट्रोल करता है। किसकी? कंपोनेंट की। किसके अंदर? कंटेनर के अंदर। ठीक है, जब आप लेआउट मैनेजर कोई भी अप्लाई कर देते हो अपने कोड में, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा जितने भी बटन वगैरह है, जितने भी कंपोनेंट्स है, उन सबको कंटेनर में। अगर आप कोई लेआउट मैनेजर नहीं अप्लाई करते तो भी जावा एक डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर अप्लाई कर देता है। लेआउट मैनेजर की जरूरत क्यों पड़ती है? सपोज करो आप अपने प्रोग्राम में बहुत सारे कंपोनेंट ऐड कर रहे हो, दो तीन कंपोनेंट है तो उनको तो आप खुद भी एडजस्ट कर लोगे, लेकिन कंपोनेंट बहुत ज्यादा है और जो विंडो अपनी ओपन होती है इस टाइप से जब हम रन करते हैं प्रोग्राम को, जिसमें बटन वगैरह होते हैं, अगर मैं इसको स्ट्रेच करूं से पकड़ के माउस के साथ स्ट्रेच करूं, इसका साइज को चेंज कर दूं, सपोज ये चेंज साइज कर दूं मैं इसका, तो जो अपने बटन्स है इनकी लेआउट बिगड़ जाती है। लेआउट मैनेजर क्या काम करता है? साइज चेंज होने के बाद भी वो उनकी जो स्ट्रक्चर है, सिमेट्री है, उनको मेंटेन करके रखता है। समझ में आ रहा है लेआउट मैनेजर क्या काम करता है? देखो जो कॉमनली यूज होने वाले लेआउट्स हैं वो है फ्लो लेआउट, ग्रिड लेआउट, बॉर्डर लेआउट, कार्ड लेआउट और ग्रिड बैग लेआउट। इसमें जनरली ये तीन यूज होते हैं, इनको बहुत कम यूज करा जाता है या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है वैसे तो ये, लेकिन हम मेनली तीन पे फोकस कर लेंगे। आपको लेकिन पता होना चाहिए पांचों, ठीक है? मैं तीन करवाऊंगा, एक लेक्चर में तीन ही हो पाएंगे तो मैं तीन करवा दूंगा, बाकी दोनों आपने खुद करने हैं। चलो प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले फ्लो लेआउट मैनेजर का देखेंगे, ठीक है? मैं यहाँ फ्लो लेआउट लिख देता हूँ।
अप्लाई करने का तरीका यही होता है कि भाई जो फ्रेम आप क्रिएट करोगे, ऑब्जेक्ट डॉट सेट लेआउट, सेट लेआउट लिखना है आपने, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट जो भी आप लेआउट मैनेजर अप्लाई करना चाह रहे हो, न्यू अगर फ्लो लेआउट है तो न्यू फ्लो लेआउट, अगर आपका बॉर्डर लेआउट है तो न्यू बॉर्डर लेआउट, ठीक है, जो सा भी लेआउट अप्लाई करना है वो आपने यहाँ लिख देना है। चलो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, बटन क्रिएट करता हूँ। पॉज करो, ये मैंने बटन क्रिएट कर दिए, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इन के ऊपर लिख देता हूँ। ठीक, अब मैं इन सबको क्या करूंगा, फ्रेम के अंदर ऐड करूंगा। फ्रेम मैंने क्रिएट कर रखा है obj.add b1 obj.add b2 eclipse hang हो गया, obj.add b3 obj.add b4 obj.add b5 और उसकी विजिबिलिटी हमने सेट कर दी है, लेआउट सेट कर दी, फ्लो लेआउट। फ्लो लेआउट क्या काम करता है, फ्लो लेआउट जितने भी कंपोनेंट है आपके उन सबको एक ही लाइन में ऐड कर देगा, ठीक है। ये आपका डिफॉल्ट लेआउट भी होता है एप्लेट के अंदर। जो काम अभी हम यहाँ पर एप्लेट इस फ्रेम को एक्सटेंड करके कर रहे हैं, सेम हम एप्लेट के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसमें हम इनिट मेथड लेंगे मेन मेथड की बजाय, ठीक है। जो हमने एप्लेट में किया था, इनिट मेथड वगैरह क्रिएट करे थे, पेंट वगैरह, ये सारे काम बटन वगैरह सारे हम एप्लेट में भी कर सकते हैं जो अभी AWT के अंदर कर रहे हैं। अब देखो मैं इसको रन करता हूं, इसने सारे के सारे बटन एक ही लाइन में क्रिएट कर दिया, जितने पॉसिबल होंगे वो सारे के सारे एक ही लाइन में कर देगा। अब मैं इसको साइज चेंज करता हूं, देखो मैंने साइज चेंज किया, ये अपनी पोजीशन फिर भी रिटेन करे हुए हैं, ये नहीं कि भाई कोई आके पीछे हो गया या इनकी पोजीशन बिगड़ गई। सर आउटपुट शो नहीं हो रही क्या? सर आउटपुट ओके, चलो दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको रन करके। देखो ये पांच बटन आपके क्रिएट हो गए हैं। अगर मैं इसका रिसाइज करता हूँ इस विंडो को, देखो सभी बटन अपने पोजीशन में अपना साइज रिटेन करे हुए हैं, ये नहीं कि किसी का साइज छोटा बड़ा हो गया है ना, ये लेआउट मैनेजर करता है ये काम सारा। जब तक पॉसिबल है वो एक लाइन के अंदर स्टोर करेगा, अगर एक लाइन के अंदर आना पॉसिबल नहीं होगा तो वो नेक्स्ट लाइन में ले आएगा, देखो है ना, नेक्स्ट लाइन में आएगा। अब सपोज करो आप चाहते हो कि भाई बटन्स के बीच में गैप दो, थोड़ा बहुत अपनी मर्जी से गैप दो, तो आप अपनी मर्जी से गैप भी क्रिएट कर सकते हो कि भाई दो बटन्स के बीच में इतना गैप होना चाहिए।
जैसे अभी जो अपना फ्रेम था ये फ्रेम है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू पास करता हूँ, मान लिया 20, ठीक। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ या दोबारा रन करता हूँ, देखो फ्रेम के बीच में थोड़ा एक तो गैप क्रिएट हुआ एक्स्ट्रा गैप, एक सेकंड रुको, चेंज क्यों नहीं हो रहा, अलाइनमेंट तो इसने चेंज कर दी सेंटर की, सॉरी लेफ्ट की। अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू देता हूँ 20 और 20, दोबारा देखते हैं। हाँ देखो, जो फर्स्ट पैरामीटर है ये होता है अलाइन करने के लिए, आपने किस साइड अलाइन करना है उसको, ठीक है। और उसके बाद है ओरिजेंटल स्पेस, दो कंपोनेंट्स के बीच में कितना स्पेस है, ओरिजेंटल स्पेस। बाय डिफॉल्ट ये 5 यूनिट का स्पेस लेता है, 5 यूनिट बाय डिफॉल्ट है, ठीक। अब इसमें स्पेस बड़ा हुआ ना, पिछले केस में स्पेस बहुत कम था, इतना था लगभग। और ये है वर्टिकल स्पेस, सपोज करो आपके जो कंपोनेंट है वो ज्यादा होते हैं, एक लाइन में ना आ पाते हैं, तो उस केस में जो वर्टिकल स्पेस है वो कितना होगा वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर मैं इसको छोटा विंडो कर दूं, देखो अब मेरे पास क्या है, वर्टिकल स्पेस देखो इसमें, और इस केस में वर्टिकल स्पेस देखना, दिख रहा स्पेस का अंतर दोनों केस में, तो इस तरीके से आप स्पेसिंग भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट क्या कहता है कि भी जो कंपोनेंट है आपके उनको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर करोगे, मैट्रिक्स कैसे, रो एंड कॉलम की फॉर्म में, इस टाइप से एक कंपोनेंट आपका यहाँ आ जाएगा, दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर, तीसरा कंपोनेंट यहाँ पर और फोर्थ कंपोनेंट यहाँ पर, इस टाइप से। और जब आप ग्रिड लेआउट अप्लाई करते हो तो जैसे सेट लेआउट न्यू ग्रिड लेआउट है ना, जी बड़ा आएगा वैसे ग्रिड का, इसके अंदर आप नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सप्लाई करोगे कि कितनी रो चाहिए आपको और कितने कॉलम चाहिए। इसका दूसरा कंस्ट्रक्टर है वो है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, साथ में हॉरिजेंटल स्पेस एंड वर्टिकल स्पेस, जो ये केस था यहाँ पर, हॉरिजेंटल स्पेस एंड वर्टिकल स्पेस कितना चाहिए आपको। चलो अप्लाई करके दिखाता हूँ मैं आपको, न्यू ग्रिड लेआउट, और मैं बटन दो चार और क्रिएट कर देता हूँ, मान लिया बटन 6 और इसका नाम दे देते हैं हम 6, ठीक है। एक और बटन मैंने क्रिएट किया, इसका नाम दिया मैंने 7। ये हमने बटन क्रिएट कर दिए और इनको मैं अब फ्रेम में ऐड कर दूंगा, बटन 6 obj.add बटन 7 और यहाँ ग्रिड लेआउट है तो मैं इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सप्लाई करता हूँ। सबसे पहले मान लिया अपने पास 2 रोज है और लेट्स से कितने हैं अपने 7, तो 4 कॉलम है, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, क्या रह रहा है ये, ओके देखो
इसमें क्या है, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में आपने बटन्स को अरेंज कर दिए सारे के सारे। अगर मैं विंडो का साइज चेंज करता हूँ, देखो बटन का साइज चेंज हो रहा है, अब दो रो थी और फोर कॉलम थे, बटन अपने पास है सेवन, पहली रो में चार आ गए, दूसरे में तीन आए, है ना। अब सपोज रो में वर्टिकल स्पेस एंड हॉरिजॉन्टल स्पेस भी इसमें मेंशन करता हूँ, मान लिया 10 एंड 10 मैंने स्पेस मेंशन कर दिया। अभी जो अपनी आउटपुट थी वो ये थी, है ना। अब आउटपुट देखना, इनके बीच में स्पेसिंग आ गई, है ना। ग्रिड लेआउट समझ में आया, अब इसके बाद आता है बॉर्डर लेआउट। बॉर्डर लेआउट क्या काम करता है, ये आपकी जो विंडो है उसको पांच सेक्शन में डिवाइड करता है। एक तो सेक्शन होगा आपका सेंटर का, ठीक है, इस टाइप से पांच सेक्शन हो गए ना, एक दो तीन चार एंड पांच। जो सेंटर वाला सेक्शन है इसको बोलते हैं सेंटर, और जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, फिर ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक। तो जब आप अपने कंपोनेंट ऐड करोगे बाय डिफॉल्ट तो वो जाएगा सेंटर में, अगर आपने कोई भी मेंशन नहीं करा कि भई आपने कौन सी पोजीशन पे उसको असाइन करना है, तो बाय डिफॉल्ट तो जाएगा वो सेंटर में। अदरवाइज आपको उसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी कि भई आप नॉर्थ में ऐड करना चाह रहे हो, साउथ में ऐड करना चाह रहे हो, कहाँ ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। तो अपने पास पास पांच सेक्शन है, तो मैं इस दो को डाल देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है मेरे मशीन की। और लेआउट सेट करता हूँ मैं बॉर्डर लेआउट, और ठीक है फ्रेम में हमने बॉर्डर ऐड कर दी, बॉर्डर लेआउट ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हमने बटन ऐड करने हैं, जो अभी हमने बटन पहले ऐड किए हुए थे इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ सबको। अब हम क्या करेंगे, बटन को ऐड करेंगे, ठीक है, बटन बी वन, साथ में हम बताएंगे कि बॉर्डर लेआउट उसी कौन सी पोजीशन पे है। बॉर्डर लेआउट मान लिया बी वन को मैं ऐड करता हूं, लेट्स से लेफ्ट, या सॉरी नॉर्थ साउथ की फॉर्म में बताएंगे ना, नॉर्थ, फिर ओबीजे डॉट एड बी टू बटन, और बॉर्डर लेआउट डॉट साउथ, ओबीजे डॉट एड बी थ्री बॉर्डर लेआउट डॉट लेट्स से सेंटर,
obj dot add v4 border layout dot list obj dot add button number 5 border layout dot west ठीक। अब मैं इसको रन करता हूं। देखो B3 हमने लिया है सेंटर में। B3 कहां है? सेंटर में। आपका थर्ड बटन सेंटर में आ गया। फर्स्ट बटन हमने लिया है नॉर्थ में, आपका नॉर्थ में फर्स्ट आ गया। साउथ में आपका सेकंड बटन आ गया। फोर्थ बटन आया है आपका ईस्ट में, और फिफ्थ बटन आया आपका वेस्ट में। इस टाइप से आप बटन्स की जो पोजीशन है वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? कार्ड लेआउट और ग्रिड बैग लेआउट वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ठीक है? वो आपने करना है या सेकंड असाइनमेंट में मैं आपको दे दूंगा उसको। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।